हेलो एवरी वन आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ एंड द क्वेश्चन सेज दैट इफ इंटीग्रल साइन एक्स टू वन टी स्क्वेयर एफ टी 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 इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स वेयर एक्स इज बिलोंगिंग टू जीरो टू पाई बाई टू देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ वन बाई रूट थ्री इसके लिए हमें गिवन क्या है गिवन है इंटेग्रल साइन एक्स टू वन साइन एक्स टू वन टी स्क्वेर एफ टी डी टी इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स ये हमें गिवन है अब हमें निकालनी है एफ वन बाई रूट थ्री की वैल्यू इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एफ़ एक्स निकालना होगा या एफ टी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी न्यूटन लेबनीस रूल और वो क्या है कि वो कहती है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटेग्रल एक्स बी एक्स ऑफ एफ टी डी टी है तो ये इक्वल होगा एफ ऑफ बी एक्स डी डीवाई डी एक्स ऑफ बी एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स डी डी एक्स ऑफ ए एक्स ये इस प्रॉपर्टी के अनुसार है तो हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड तो इस साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा वन ऊपर वाला कांस्टेंट है यानी बी एक्स है तो डी बी एक्स बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा यानी कि ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी तो हम सिर्फ ये वाली टर्म लिखनी होगी वो क्या है माइनस ऑफ एफ ऑफ ए एक्स यानी एफ ऑफ साइन एक्स जो अंदर जो भी है वो एफ टी है तो ये क्या हो जाएगा इसमें अगर साइन एक्स रखा तो टी स्क्वायर टी की जगह क्या रखना है साइन एक्स तो साइन एक्स का होल स्क्वायेर फिर एफ ऑफ साइन एक्स आएगा फिर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स ए क्या है साइन एक्स तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे वन का हो जाएगा जीरो और माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अब दोनों साइड कोश एक्स कोश एक्स है तो वो कॉश एक्स कैंसिल हो जाएगा और एफ ऑफ साइन एक्स जो आएगा वो आ जाएगा वन बाई साइन स्क्वायर एक्स ये क्या था हमारे पास आ गया एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स आर हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू एफ ऑफ वन बाई रूट थ्री की तो ये कैसे कैलकुलेट होगी ये कैलकुलेट करने के लिए हमें साइन एक्स को वन बाई रूट थ्री के इक्वल करना होगा यानी कि साइन एक्स वन बाय रूट थ्री के इक्वल है साइन एक्स वन बाय रूट थ्री के इक्वल है तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम राइट हैंड साइड भी तो राइट हैंड साइड अगर वन बाय रूट थ्री रखा तो ये वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर हो गया तो ये किसके इक्वल हो गया वन बाई वन बाई थ्री तो सिंपली एफ वन बाई रूट थ्री की वैल्यू क्या आ गई अपने पास एफ वन बाई रूट थ्री की वैल्यू आ गई वन अपॉन वन बाई थ्री क्या होता है थ्री तो जो हमें कैलकुलेट करना था एफ ऑफ वन बाई रूट थ्री उसकी वैल्यू आ गई अपने पास थ्री आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन थैंक यू